रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो अगेन रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग के रिलेटेड है कि एक चीज़ होती है कैश बायर्स। लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि यार कैश बायर्स का, अक्सर लोगों को नहीं पता, सॉरी कब, बहुत लोगों को पता भी है, कई लोगों को नहीं पता कि कैश बायर्स क्या होते हैं और ये निकलते कहाँ से हैं, इनको हम हासिल कहाँ से कर सकते हैं, कि इनकी लिस्ट कहाँ से मिलती है, ठीक है ना। तो पहले ही मैंने वीडियोज़ बनाई हैं इन चीज़ों के ऊपर कि प्रॉपर्टी टाइप्स वगैरह, एजेंट्स क्या होते हैं, होलसेलर क्या होते हैं और इनके डिटेल्स के ऊपर। तो आज की है कैश बायर्स के ऊपर कि कैश बायर्स कौन होते हैं। तो अगर आप चैनल पर हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो यार लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट वगैरह भी कर दिया करो, ठीक है। तो कैश बायर्स क्या हैं? ये बेसिकली वो बायर्स जो यानी कि प्रॉपर्टीज़ खरीदते रहते हैं। अब इनको आइडेंटिफाई किस तरह से करना होता है, इनका निकालने का तरीका कार क्या है? खास एक तरीका तो होता है हमारा जो प्रॉप स्ट्रीम का, ठीक है। प्रॉप स्ट्रीम से क्या फिल्टर्स कौन से हम यूज़ करेंगे? प्रॉप स्ट्रीम पे हम जाएंगे, वहाँ जाके पहले तो कोई फिल्टर लगाएंगे इसका कैश बायर्स का कि ये हमें कैश बायर्स वाली लिस्ट चाहिए। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि फिल्टर लगाएंगे ये वाला कि मिनिमम मैक्सिमम जो एक साल के अंदर अंदर जो एक साल से ज़्यादा के जो ओनरशिप नहीं रखते, ठीक है, एक साल से कम ही रहते हैं। यानी कि अगर बंदे की ओनरशिप 2-4 साल है तो वो कैश बायर में हम उसको नहीं कहेंगे कि वो जी बार बार जो है वो नहीं ले रहा। कैश बायर उसको हम कहेंगे जो एक साल के अंदर अंदर वो कैश पे बाय करते हैं, फिर अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं और यही जो काम चलता रहता है, जिस तरह से इन्वेस्टर करते हैं। मिसाल की बात है कि इन्वेस्टर लगा लें आप, ठीक है ना। तो कैश बायर्स ये होते हैं जो थोड़ा अर्सा प्रॉपर्टी रखते हैं और कैश पे ही पेमेंट दे के कैश पे प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके बाद सेल आउट कर देते हैं। ये कैश बायर्स की थोड़ी सी डेफिनेशन है, ठीक है। ये हमारी फील्ड में कुछ इसको कैश बायर कहा जाता है। वैसे कैश बायर तो ये एक ही चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़ हम कहते हैं जी, जो कैश पे दे के चीज़ खरीदता है उसको कैश बायर कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमारी फील्ड में कैश बायर लिस्ट अगर निकालनी हो तो उसको इस तरह से निकालते हैं कि जो बंदा जल्दी प्रॉपर्टी बेचता रहता है यानी को कैश पे ले के तो निकालता रहता है, उसको हम कैश बायर कहते हैं। ताकि हम अगर उसको प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट करना चाहें, हमारे एजेंट को या होलसेलर को जो चाहिए होते हैं, इन्वेस्टर्स को चाहिए होते हैं, कि उनको आगे से इन्वेस्टर एक किस्म के चाहिए, कैश बायर्स चाहिए कि हमारे पास प्रॉपर्टी है या अगर कोई लिस्टिंग आई है बिकने के लिए, तो हम फौरन कैश बायर को कॉन्टैक्ट करेंगे, हाँ भी हमारे पास पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी है आपने लेनी है, बात करो, तो वो आपके साथ फौरन डील कर लेते हैं, ठीक है। ये कैश बायर की डेफिनेशन है। उम्मीद है कुछ फ़ायदा हो जाएगा इस वीडियो से आप लोगों को कैश बायर के बारे में, कैश बायर्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।